दोस्तों आप सभी का सीएन स्टडी पॉइंट में इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके 50 क्वेश्चन, विषय है इतिहास। और आज का जो भाग है, पार्ट जो है, आज का भाग है 3। चलो देखेंगे जीके 50 इतिहास। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहा जाता है? वो है राजगीर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हुएन सांग का स्मारक नव नालंदा महाविहार में है, इसके लिए ये विख्यात है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? उसका नाम था माहम अनगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? मलिक अंबर अबिसिनिया का रहने वाला था। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ था? प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के काल में हुआ था। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिनांडर नाम का जो हिंदी यूनानी राजा है उसे मिलिंद कहा जाता है। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणी या अगलसोई ने किससे युद्ध किया था? तो युद्ध किया था सिकंदर से। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था देवी। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? वो राजा का नाम था हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य ये गुणवाचक शब्द है और ये इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो तंबाकू जो फसल है इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो शुल्व सूत्र इसका अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वह उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना ये ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम नाम का जो प्रांत था वो मौर्य साम्राज्य के बाहर था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मिन देई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वह नदी का नाम है परुष्णी। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? उस पहाड़ी का नाम है बराबर पहाड़ी। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये
जो ग्रंथ का नाम है वो है अर्थशास्त्र। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? सातवां। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? सातवाहनों के समय में भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिला था। वशिष्ठी पुत्री पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो प्रतिष्ठान को। सातवाहनों में आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो महाराष्ट्र से। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उनका नाम है सिमुक। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगुना करवाया? वह शासक का नाम है शुंग। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? उनका नाम है हिंद यवन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? उस राजा का नाम है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो उस स्थल का नाम है अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में ऋग्वेद पर आधारित है? तो उसका नाम है सामवेद। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपने सीएन स्टडी पॉइंट यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक ये किताब चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? उसका नाम है गणतंत्र शासन प्रणाली थी वैदिक युग में प्रचलित। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य यह भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो दस्तकारी का नाम है लोहार यानी लोहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन करने वाला जो वेद है वो वेद का नाम है अथर्व वेद। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भागवत शामिल नहीं है। दोस्तों, अगर ये जो वीडियो है आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को
यह वीडियो की लिंक शेयर करें और CN स्टडी पॉइंट यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें, यानी आपको नई वीडियो की जो सूचना है, नोटिफिकेशन जो है, वो आपको प्राप्त होगा। जल्दी से ही मिलेंगे GK 50 इतिहास पार्ट 4, यानी भाग 4 पार्ट 4। धन्यवाद दोस्तों।